अमित पतिया सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो उठी तो देखा तो घर में तो कोई है ही नहीं, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, कोई भी नहीं, सिर्फ पापा है। तो फिर मैंने तो सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ अपना रूम शेयर करूँ, यानी कि अपना रूम दिखाऊँ। तो चले आए, किस बात के आए, मैं आपको रूम दिखाती हूँ। तो गाइस ये है मेरा रूम, ये बेड है, ठीक है, और ये देखिए ये पूरा रूम है, वो सेटी है, ठीक है, क्योंकि मैं ना वहीं सोती हूँ ज़्यादा, मुझे इधर ही आराम मिलता है, इधर ही सुकून मिलता है। और ये मतलब बाहर जाने का रास्ता है, एक रूम वहाँ है, बीच में किचन है, और ये जो हर गेट है ना ये वाला, ये से बाहर जाते हैं। तो गाइस और ये भी गैलरी है, तो फिर जैसे हम जो है ना बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, इधर बस फर्नीचर वगैरह ये वो ना, और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो ये हमारा मोहल्ला है, ठीक है, ये मोहल्ला है। तो गाइस मेरे पास, मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा यार भी क्या करूँ, मैं जल्दी उठ भी गई हूँ और क्या करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, ठीक है ना, और आप लोगों को अपना रूम दिखा देती हूँ। तो गाइस आप लोग मेरे साथ ना बंदी रही, ठीक है ना, तो मिलते हैं कोई देखे बात। भाई हम जो है ना बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो कह रहा है कि चलो मैं बात करता हूँ। हाँ तो आप बात करें, क्या बात करनी आपने, करो अभी, तो कह रहे थे मैं बात करता हूँ, करो हैं। अब समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या बात करेगा, इसको अब समझ ही नहीं आ रहा, पहले मुझे कह रहा था मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, तो करो। और ये देखो ठिकाना है, देखो गाइस ये देखो हमारे पीछे पीछे, हमारे पीछे पीछे आता रहता है, हमारे पीछे पीछे जहाँ 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 हम जाएंगे हमारे पीछे पीछे आता रहता है। हाँ कहीं भी जाएं हम, हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। ये देखो अब छेड़खानी करेगा, इधर आओ इधर आओ, हाय बातें करो, हेलो करो, हेलो हेलो कर दो, हेलो 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 हेलो, घूम कर आ गई हूँ आप। ये ना घूमने गया हुआ था अम्मी के साथ जो है ना, ये मेरा छोटा भाई, ये देखो। हाँ ये लोग घूमने गए हुए थे, और जो है ना मैं सो रही थी, ठीक है, और जब मैं सोकर उठी ना, तो मैं जैसी उठी तो देखा तो ना ये लोग सब बाहर जा रहे थे, ये सब बाहर जा रहे थे। तो मैंने फिर अभी आई ना, अभी मैंने कहा कि मुझे भी लेके चले, तो कहने लगे तुम तो सोकर उठी थी, तुम जाती नहीं, क्योंकि मैं जब सोकर उठती हूँ ना तो मैं एकदम बाहर नहीं जाती हूँ, तब तक मैं फ्रेश व्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं निकलती हूँ ऐसे एकदम, जैसे कि सोकर एकदम से बाहर जाया नहीं जाता, मुझसे भी तो कुछ खाऊँ। तो दोबारा मिलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ब्रेक करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक पे जाने के बाद फिर दोबारा मिलते हैं। गाइस मुझे भूख लग रही थी, तो ना मैंने सोचा क्या खाऊं क्या खाऊं, तो मैंने सोचा कतला रखा हुआ, मच्छी रखी हुई थी गाइस फ्रिज में, तो मैंने कतला निकाल के ना उसको ना फ्राई कर रही हूँ, मैंने सोचा वो आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए अभी ये बन रही है, वो आ गए घर वाले, ठीक है ना, एक वो खेल रहा है, ये देखो नीचे खेल रहा है चप्पलों में। ईसा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे बच्चा, क्या कर रहे हो ना। ये देखो भाई ये लोग आ गए, और देखो आते के साथ ही अम्मी ने दाल चढ़ा दी थी, और ये दाल बनने लगी है, छोटी वाली बहन बर्तन धो रही है, और ये देखो गाइस चले हम अपने रूम में चलते हैं। तो गाइस मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ,
तो है जी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज आई हूँ अपने कज़न के घर और अभी भी आई हूँ, तो बताए मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ी देर के बाद दोबारा आपसे मिलती हूँ। हाय एवरीवन, तो अब हम घर जाने लगे हैं। तो गाइस, इनका घर ना बहुत प्यारा बना हुआ है, ठीक है, मेरी कज़न का। देखें कितना प्यारा डेकोरेट करा हुआ है, दिखाती हूँ आप लोग को। कभी कभार आते हैं और मैंने ड्रेसिंग ये वाली करी है। बताइएगा मेरी ड्रेसिंग कैसी लग रही है यार। मेरी डिफेंस की साइड पे यार बहुत ठंड होती है, तो उसकी वजह से मुझे समझ आया था मैं क्या पहनूँ, क्या पहन के निकलूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं जीन्स और हाईनेक पहन लेती हूँ, ठीक है, उसके ऊपर मैं शॉल ले लूँगी। तो ये देखो बच्चे घूम रहे हैं। तो बस अब गाड़ी आने वाली है, उसके बाद जैसी गाड़ी आएगी उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे, तो गाड़ी का वेट कर। तो हेलो, मैं घर पर आ गई हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो मैंने सोचा आप देखो मैं बता दूँ, तो मैं गई हुई थी कज़न के घर, वहाँ खूब इंजॉय करा, काफ़ी टाइम के बाद गई थी। तो वहाँ से अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, तो मैंने चेंज वेंज करे, मैंने कहा चलो गाइस। आज का जो ब्लॉग था मेरा यही था कि बनाने का मकसद एकदम से, मतलब जैसे कि मुझे भी पता था कि मैंने आज जाना है, अचानक से बहन का मतलब बहन आई, उन्होंने कहा जाना है कज़िन क्या, मैंने कहा ठीक है, मैं तो रेडी थी। तो फिर हम लोग चले गए अचानक से, अगर मुझे पता होता तो मैं शायद आप लोग से भी शेयर करती, पर अचानक से सब कुछ अचानक से ही हुआ। खैर मैं वहाँ जाके अब लोग दिखाई वीडियो बनाइए, तो अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग मुझे लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।